अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम शेयर करने वाले हैं अरबी गोश्त की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ज्यादा डिलीशियस बनकर के तैयार होता है। वीडियो देखने से पहले अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक बर्तन में आधा कप मस्टर्ड ऑयल शामिल किया है, यानी सरसों का तेल। अच्छे से इसे गर्म कर देना है। उसके बाद आपको इसमें शामिल करना है अरबी। तो यहाँ पर 250 ग्राम अरबी है, इसे अच्छे से हमने छील लिया है, वॉश भी कर लिया है। इसे छीलने में बहुत ज्यादा लोगों को खुजली होती है, तो सबसे पहले हाथों में आपको सरसों का तेल लगाना है। थोड़ा सा नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में आपको लगाना है सरसों का तेल। उसके बाद आपको कट करना है, फिर उसके बाद आपको फिर से तेल लगाना है हाथों पर, उसके बाद इसे वॉश करना है। अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अरबी को डालने के बाद इसे हम लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। अरबी को जो हमने कट किया है, बड़े पीसेस में कट किया है। अगर अरबी आपके पास छोटा है, कभी कभी छोटा भी अरबी आता है, तो आपको उसे कट करने की जरूरत नहीं है। बस आप उसे छील कर यहाँ पर आपको फ्राई कर लेना है वॉश करने के बाद। तो यहाँ पर अरबी बड़े साइज का था, तो इसे हमने बड़े बड़े टुकड़े में कट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरबी को हमने फ्राई कर लिया है, इसके ऊपर कलर भी अच्छा सा आ गया है। बहुत ज्यादा इसे हम गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, जिस तरीके से बस आपको दिख रहा है इसी तरीके से हमें फ्राई करना है। इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तेल में हम शामिल करेंगे प्याज। तो 3 मीडियम साइज का हमने यहाँ पर प्याज ले लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज डालने के बाद अच्छे से हमने इसे चला लिया है। अब इसमें थोड़े से गरम मसाला शामिल करेंगे। तो यहाँ पर साबुत गरम मसाला है, जैसे 1 दालचीनी है 1.5 इंच की, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 6 से 7 काली मिर्चें, 2 तेज पत्ते। इन सारे मसालों को डालने के बाद प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज के ऊपर काफी अच्छा कलर आ गया है। इसी तरीके से हमें प्याज फ्राई करना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे गोश्त। तो 500 ग्राम हमने यहाँ पर लिया है। अच्छे से हमने इसे पहले धुल लिया था। धुलने के बाद इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इस पॉइंट पर 5 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। इसकी जगह पर आप कोई भी मीट ले सकते हैं। आधा किलो गोश्त में हमने 1 पाव अरबी यूज किया है। आप अगर 1 किलो गोश्त में बना रहे हैं तो आपको 500 ग्राम यानी आधा किलो अरबी इस्तेमाल करना है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है, तकरीबन ये 1.5 बड़ा चम्मच है। फिर से हम इसे भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट हमने जो इस्तेमाल किया है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त के ऊपर काफी अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें सूखे मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच हल्दी ली है, 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और नमक पसंद के मुताबिक। ख्याल रहे सूखे मसाले डालने के टाइम आपको फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमने सूखे मसाले शामिल किया है। साथ ही हमने 1 मीडियम साइज का टमाटर डाल दिया है, रफली कट करना है और साथ में हम भून लेंगे। तकरीबन हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है। तो यहाँ पर हम पतीले में बना रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हम पानी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको पानी का कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें जल्दी गोश्त गल जाता है। और इस बर्तन में अगर हम बनाते हैं यानी पतीले में, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर धीमी आंच पर पकने देंगे। 90% आपका गोश्त गल जाना चाहिए। 40 से 45 मिनट हो चुका है, तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखकर लग रहा है कि अच्छे से गल चुका है, यानी 90% गल चुका है। तो अब इसे चेक कर लेंगे। वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो गोश्त है वो हड्डियों से बिल्कुल अलग हो गया है। तो यही पहचान है कि हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो अब इसमें हम अरबी शामिल कर देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको 80% गलाना है गोश्त को, और उसके बाद आपको उसका ढक्कन हटाने के बाद आपको अरबी डालने के बाद फिर से आपको 20% गला लेना है, ताकि साथ में अरबी भी गल जाए और हमारा गोश्त भी गल जाए।
यहाँ पर हमने आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका ढक्कन लगाने के बाद अरबी गलने तक हम पका लेंगे। और ख्याल रहे कि अरबी को अच्छे तरीके से अगर हम गलाते हैं तभी जाकर हमारी अरबी की सब्जी जो होती है वो ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने अच्छे से गला लिया है, इसका लुक आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इस तरीके से आसानी से आप अरबी गोश्त का सालन घर पर बना सकते हैं। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी टेस्टी बनकर तैयार होती है और ये खाने में बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। इस पॉइंट पर आप चाहें तो हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए कितना जबरदस्त तरीके से हमारा गोश्त भी गल गया है और अरबी भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मजेदार सा अरबी गोश्त का सालन बनकर रेडी हो चुका है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।